बिग बॉस सीजन 13 तो खत्म हो गया है, लेकिन बिग बॉस 13 की यादें अभी तक हमारे दिल में बसी हुई है। ऐसे में आपको बता दें, बिग बॉस के घर के अंदर रह रहे कंटेस्टेंट अब बाहर आ चुके हैं और उनके हाथ लग रहे हैं बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस। फ्रेंड्स, आपको बता दें, बिग बॉस के घर के अंदर बहुत सारे कंटेस्टेंट गए और बहुत सारे कंटेस्टेंट आए, लेकिन बहुत ही कम कंटेस्टेंट थे जिन्होंने सबके दिलों पर राज किया। सिद्धार्थ शुक्ला हो गए, आसिम रियाज, रश्मि देसाई, आबरा कड़ाबरा, पारा छाबड़ा, शहनाज गिल, इन लोगों ने ऑडियंस के दिल पर इतना ज़्यादा राज किया कि ऑडियंस को इनका घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा खल गया। ऐसे में आपको बता दें, अब इस शो की जगह ले रहा है खतरों के खिलाड़ी, यानी कि अब हम कलर्स पे देखेंगे एक नया शो खतरों के खिलाड़ी, जो कि 22 फरवरी से ऑन एयर हो जाएगा। वेल, अगर हम खतरों के खिलाड़ी की बात करें तो खतरों के खिलाड़ी में इस बार हमें बहुत बड़े बड़े फेसेस देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि करण पटेल, धर्मेश, शिविंग नारंग और इनके अलावा और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं, करिश्मा तन्ना, अदा खान। और हम बात करें अगर इस शो की, तो इस शो को होस्ट कर रहे हैं रोहित शेट्टी, यानी कि एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी होस्ट करने वाले हैं इस शो को। रोहित शेट्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने इससे पहले भी खतरों के खिलाड़ी के बहुत सारे सीजन्स को होस्ट किया है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी का आखिरकार क्या रिलेशन हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस के विनर यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला और बिग बॉस की थर्ड रनर अप यानी कि रश्मि देसाई जाने वाली हैं खतरों के खिलाड़ी में। लेकिन वेट, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये दोनों एज अ स्पेशल गेस्ट बन के जाने वाले हैं शो में, ना कि शो में कोई टास्क करने के लिए जाएंगे। ये जाने वाले हैं कंटेस्टेंट्स की क्लास लेने के लिए, यानी कि खतरों के खिलाड़ी में जो भी कंटेस्टेंट हैं उन्हें टास्क देंगे सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई। सिद्धार्थ शुक्ला की अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला इससे पहले खतरों के खिलाड़ी के विनर रह चुके हैं और उन्होंने अपने सीजन में काफ़ी ज़्यादा धमाल मचाया था। वैसे तो धमाल उन्होंने बिग बॉस के घर में भी बहुत मचाया है, लेकिन अब अगर गेस्ट बन के वो जाएंगे, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा वो कौन से कंटेस्टेंट को क्या टास्क देते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि खतरों के खिलाड़ी में जितने भी कंटेस्टेंट गए हैं सबको खतरों से खेलने की आदत है। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला अगर जाते हैं तो कौन से कंटेस्टेंट को क्या खतरा वो देंगे, देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर रश्मि देसाई की हम बात करें तो रश्मि देसाई के लिए ये सारा कॉन्सेप्ट नया होने वाला है, और रश्मि देसाई किस तरीके से अपने आप को उस कॉन्सेप्ट में ढालती हैं ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस के घर के अंदर एक दूसरे को सीधे मुंह देखना भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब से ये बिग बॉस के घर के बाहर आए हैं ये दोनों साथ में ही नजर आए हैं। बात चाहे कलर्स के शो मुझसे शादी करोगी की हो या फिर खतरों के खिलाड़ी की हो, हमने देखा जिस तरीके से रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला मुझसे शादी करोगी के सेट पर आए थे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। सिद्धार्थ शुक्ला जिस तरीके से रश्मि देसाई की टांग खिंचाई कर रहे थे, ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है कि इन दोनों के बीच में जितनी भी दरारें थे कहीं ना कहीं ये खत्म हो गई है और ये दोनों फिर से दोस्त बन गए हैं। अगर ऐसा होता है तो ये उनके फैंस के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप कितने ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे हैं रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला का खतरों के खिलाड़ी के सेट पर जाने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।